नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज की शाम की पेशकश तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्की। आज एक अनोखी रिपोर्ट लेके हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। ये अनोखी रिपोर्ट अनिल कुमार चौहान से जुड़ी है। आपको बताएं कि अनिल कुमार चौहान एक सेल्फ टॉट कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। अब यहाँ ये सोचना बनता है कि कैलीग्राफी आर्टिस्ट ही तो है, तो इसमें अनोखा क्या है? पर यहाँ आपको बताएं कि अनिल कुमार चौहान एक ऐसे हिंदू कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट से इंडिया में लगभग 200 मस्जिदें सजी हैं। जी हाँ, इनके 30 साल के करियर में इन्होंने अक्रॉस इंडिया मस्जिदों की दीवारों पर अरेबिक में कुरानिक वर्सेस लिखे। हैदराबाद में रहने वाले 50 साल के अनिल कुमार चौहान का पैशन कैलीग्राफी की और छोटी मोटी कमाई के लिए शॉप्स के साइन बोर्ड्स पर उर्दू में पेंट करते हुए जागा। इन्होंने बताया कि मस्जिदों के साथ साथ इन्होंने कई मोनास्ट्रीज और लगभग 30 मंदिरों में देवी देवताओं की पिक्चर्स को पेंट किया है। कुछ 100 मस्जिदों से इन्होंने थोड़ा बहुत पारिश्रमिक कमाया और कुछ 100 मस्जिदों के लिए इन्होंने फ्री में काम किया। आर्टिस्ट का कहना था कि इन्हें यहाँ काम करने से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता था, जिस वजह से इन्हें कभी अपना मेहनताना मांगने का मन ही नहीं किया। फर्दर ये भी कहा कि इन्होंने कहीं से भी अरेबिक स्क्रिप्ट सीखने के लिए कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। इन्होंने सब अपने पेंटिंग असाइनमेंट्स के दौरान ही सीखा। आर्टिस्ट अनिल कुमार अपने खाली समय में टेक्स्ट बुक्स से वर्ड्स कॉपी करके प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे ऐसे ही स्क्रिप्ट को समझने लगे, जिससे इनके क्राफ्ट को बेहतर बनाने में इन्हें बहुत आसानी हुई और जल्द ही लोगों ने इनके टैलेंट को एक्नॉलेज करना शुरू किया और लैंडमार्क आर्किटेक्चर्स को कुरान के वर्सेस से सजाने का मौका दिया। आर्टिस्ट ने बताया कि इन्हें इनका पहला बड़ा असाइनमेंट 90s में मिला, जब इन्हें हैदराबाद का आइकॉनिक नूर मस्जिद को कुरान के वर्सेस से सजाने का मौका मिला। इनका कहना था कि इस असाइनमेंट के मिलने से ना ही सिर्फ इनके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिला, साथ ही समाज के उत्कृष्ट भाग से भी इन पर उनके अप्रूवल की मोहर लगी। यहाँ आर्टिस्ट ने बताया कि सफलता मिलने के साथ साथ इनके रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल्स ने इनके काम का विरोध किया क्योंकि वो हिंदू थे। पर अपने करियर की ओर डिटरमिंड और पैशनेट रहते हुए और साथ ही सब मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने हैदराबाद में स्थित जामिया निज़ामिया यूनिवर्सिटी से एज एन आर्टिस्ट अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए हुक्मनामा प्राप्त किया। यहाँ आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी उनके काम से इम्प्रेस्ड थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी की मेन गैलरी में आर्टिस्ट अनिल चौहान के द्वारा बनाया कुरान से ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सूरह यासीन का 6 feet by 4 feet का कैनवस आर्ट पीस सजाया हुआ है। आज अपनी मेहनत से आर्टिस्ट अनिल कुमार ने वो दिन भी हासिल किया कि जहां जो लोकल्स उनके काम को लेके सवाल उठाते थे, विरोध करते थे, आज वही उनकी प्रशंसा करते हैं। आर्टिस्ट ने कहा कि रमज़ान के महीने में ये सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि तब आर्टिस्ट मस्जिदों के द्वारा अपने आर्ट से अल्लाह के शांति के संदेश को सब तक पहुँचाने में लगे होते हैं। वाकई में एक अनोखी मिसाल कायम की है आर्टिस्ट अनिल कुमार चौहान ने। आर्ट किसी कम्युनिटी या रिलीजन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। इंसान चाहे जिस भी धर्म का हो या जिस भी धर्म को मानता हो, पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट एक कांस्टेंट फैक्टर होता है। बेशक हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी भी धर्म के स्क्रिप्ट्स, ग्रंथ, रिचुअल्स, प्रेफरेंसेस, पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल अलग हो, पर इंसानियत और रिस्पेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ज़रूरी नहीं कि सबकी मान्यताओं में सिमिलैरिटी हो, पर यहाँ कंसिडर करने वाली बात यह है कि जितना हम अपनी मान्यताओं को रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही दूसरे के बिलीव्स को भी रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए। वही ट्रू हार्मनी की निशानी है, और यही बात आर्टिस्ट अनिल कुमार चौहान ने अपने काम से साबित की। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज शाम की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक टॉपिक या ऐसी ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।